रुद्राक्ष के जो मणके होते हैं ना, क्या कहा होते हैं ना, तो वो रुद्राक्ष के मणके ऐसे बीज हैं जिनमें कोई में एक मुख कोई में अनेक मुख बने होते हैं। माने वो बीज रूप आत्माएं जो हैं, जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो वो बीज रूप बाप की आत्माएं इतनी कमजोर हो जाती हैं संघ के रंग में आकर के, दूसरे धर्मों के संघ के रंग में आकर के, कि उनके ऊपर ढेर सारा नंबरवार छिलका दूसरे धर्मों का चढ़ जाता, महाविकारी बन जाते हैं। पुरुषोत्तम धारी बन के हैं क्या? चलो पुरुष का तन न भी हो उन रुद्राक्ष के मणकों का, रुद्र के बच्चों का, रुद्रगणों का, तो भी कन्या का चोला भले हो लेकिन जन्म जन्मांतर के उनके संस्कार पुरुष के होंगे। समझ में आया? नहीं, जो संस्कार पुरुष के हैं ना, वो दुर्योधन दुशासन के संस्कार उनके खत्म नहीं होते। और दूसरी बात, क्यों नहीं खत्म होते? इसलिए खत्म नहीं होते कि रुद्र भगवान के, जो रुद्र भगवान इस सृष्टि पर आकर के अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू करता है, उस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अपने जीवन को तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क, संबंध से स्वाहा करने के बड़े प्रयासी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं। इसलिए वो भगवान के डायरेक्ट बच्चे कहे जाते हैं रुद्रगण। उनमें स्वभाव संस्कार किसके होते हैं? दुर्योधन दुशासन जैसे पुरुषों के। भले पुरुष चोला हो या स्त्री चोला, तो वो उनकी जो माला बनती है वो रुद्रमाला कही जाती है। वो है बीज, सारी मनुष्य सृष्टि के बीज। माना उन 108 में जो 12 12 के 9 ग्रुप हैं, वो दुनिया के ऐसे 9 धर्म हैं क्या, जिनके लिए गीता में कहा गया सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दे। धर्मों को छोड़ दे तो धर्म पिताओं को भी छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा, माम एकम शरणम व्रज। तो वो रुद्रगण इस प्रयास में सबसे आगे जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के सन्मुख बैठ करके सारा ज्ञान सुन। लेकिन कमजोरी है उनमें क्या? भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं ना, सन्मुख बैठने वाले, तो पावरफुल आत्माएं तो होंगी। अगर बड़े आदमी का कोई बच्चा, जैसे राजा महाराजा का बच्चा हो और दुष्ट धर्म वालों के संग के रंग में आ जाए, कुसंग में आ जाए, तो बड़े आदमी का बच्चा ज्यादा बर्बाद होगा या साधारण आदमियों के बच्चे ज्यादा बर्बाद होंगे, ज्यादा खराब होंगे? बड़े आदमी का बच्चा बहुत बर्बाद होगा, क्योंकि उसमें ताकत ज्यादा है, बर्बादी में भी सबसे जास्ती नीचे जाता है। तो वो रुद्रमाला के मणके जिनमें कन्याएं भी होती हैं, माताएं भी होती हैं, वो कन्याएं माताओं के बच्चे ज्ञान को तो बड़ी जल्दी ग्रास कर लेते हैं, क्योंकि भगवान के सन्मुख बैठ करके समझते हैं। सन्मुख बैठ करके समझने की बड़ी महिमा है क्या? इसको कहते हैं उपासना। उप माने नजदीक, आसन माने आसन लगा के बैठने वाले, जो साक्षात भगवान के सामने
आसन लगा के जमा के बैठते हैं, जम के आत्म की स्थिति में बैठते हैं और भगवान की ईश्वरीय वाणी को मन बुद्धि में धारण कर लेते हैं। लेकिन वो जन्म जन्मांतर के जो उनके संस्कार है ना, भगवान तो आकर के राजा ही सिखाते हैं राजयोग के द्वारा। गीता ज्ञान में राजयोग सिखाया है ना भगवान ने आकर, तो गीता ज्ञान के द्वारा जो राजयोग सीखते हैं वो आत्माएं जन्म जन्मांतर के बड़े बड़े राजाएं बनते हैं, छोटे छोटे राजाएं बनते हैं। नंबर बार पुरुषार्थ पुरुषार्थ। तो जब द्वापर कलयुग आता है तो द्वैतवादी युग में और कलयुग में वो राजाओं में एक विचार की बड़ी खराब वृत्ति आ जाती है, विदेशियों के संग के रंग से, विदेशी धर्म पिताओं के संग के रंग से विचारी बन जाते हैं। मुसलमानों में अंग्रेजों में तो फिर भी गनीमत है, मुसलमानों में नियम है चार चार शादियां भी कर सकते हैं, चार चार औरतें भी रख सकते हैं, लेकिन भारत के राजाओं ने तो हद ही कर दी। सैकड़ों राजाएं रानियां रखते थे, तो बहुत पतित बनते थे।